पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने विदेश नीति के मोर्चे पर एक बार फिर भारत की तारीफ की है और मौजूदा पाकिस्तान सरकार को जमकर निशाने पर लिया है। इमरान ने 21 मई को ट्वीट कर कहा, क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद भारत ने अमेरिकी दबाव से प्रभावित हुए बिना जनता को राहत देने के लिए डिस्काउंट पर रूसी तेल खरीदा। स्वतंत्र विदेश नीति के साथ हमारी सरकार इसी के लिए काम कर रही थी। इसके साथ ही इमरान ने कहा, हमारी सरकार के लिए पाकिस्तान का हित सबसे ऊपर था, लेकिन यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक ने सत्ता में बदलाव के लिए मजबूर कर रहे बाहरी दबाव के सामने घुटने टेक दिए और अब वे बिना सिर वाले चिकन की तरह बेकाबू अर्थव्यवस्था के बीच इधर उधर भागते फिर रहे हैं। आपको बता दें कि फ्यूल की लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनजीवन पर पड़ रहे असर को देखते हुए भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने 21 मई को पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में क्रमशः 8 रुपए और 6 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती करने का ऐलान किया। ऐसे में उत्पाद शुल्क की दर पर लगने वाले अन्य स्थानीय शुल्कों में कमी आने की वजह से पेट्रोल कम से कम 9.5 रुपए जबकि डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया। बात इमरान की करें तो उन्होंने इससे पहले कहा था कि किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वो भारत को विदेश नीति पर अपने हिसाब से चलने को कहे।